बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको समझना है, कंपैरेटिवली आपके लिए इजी होंगे, सब्जेक्ट टू आप थोड़ा ध्यान रखोगे क्या, तो आप बोलोगे सर ध्यान बहुत सिंपल है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। बैंक बैलेंस, हम बैंक में जो हमारा बैलेंस होता है उसमें क्या होता है, रियल कौन सा अप्लाई होता है, रियल का रूल। रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब पैसे आ रहे तो डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट। सेम वे कैश में ऐसे ही बोलना है, कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, कैश बिजनेस में से जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है बच्चों? तो अभी सम करना शुरू करते हैं। जो आप देख सकते हो सर थोड़े साइड में हो जाएंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा, सम आ गया है आपको 20,000 डिपोजिटेड विद द बैंक एंड ओपन द अकाउंट। मतलब आप बोलोगे सर बैंक में जब भी आप अकाउंट ओपन करने जाओगे तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको कैश डिपोजिट करना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो बिजनेस में से कैश जाएगा और बैंक बैलेंस में आ जाएगा। बैंक बैलेंस में आ जाए उससे पहले आप बोलोगे सर यहाँ 14 लिख दो और यहाँ मार्च लिख दो और उसके बाद 1, तो आप बोलोगे सर सिंपली आप बोलोगे सर कैश अकाउंट, आप बोलोगे कैश आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, कैश आ रहा है बिजनेस में कि जा रहा है, तो आप बोलोगे सर कैश जा रहा है और बैंक बढ़ रहा है बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे बच्चों, 20,000। सेम वे आप आगे जाओगे, आगे है सेकंड, अभी है फिफ्थ, तो आप बोलोगे सर चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम हरी विच इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। हमें क्या मिला, चेक मिल रहा है, चेक मिल रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट किससे मिला है, तो आप बोलोगे सर हरी जी से मिला है, हरी अकाउंट होगा। कितना मिला है, तो आप बोलोगे सर 5,000 और यहाँ पे होगा 5,000। आप बोलोगे सर इसके बाद है सिक्स्थ, तो सिक्स नंबर का ट्रांजेक्शन कुछ चल रहा है, चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव फ्रॉम रमलिक लाल फॉर ड्यूज। चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव होता है तो बच्चों बिजनेस में कैश, मतलब चेक आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट है और रमणीक लाल, रमणीक लाल जो है, जो लाल रंग का है उसकी बात कर रहे हैं, तो रमणीक लाल जो है उनसे पैसे मिल रहे हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, रमणीक लाल है इसलिए उनका अकाउंट क्रेडिट कर रहा है बच्चों। क्लियर होगा ये पॉइंट भी, ये बहुत सिंपल पॉइंट लगेंगे आपको कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने आगे बहुत टफ सम देखे इसके लिए। टेंथ है गुड सोल्ड टू रूपाली ₹14,000 आउट ऑफ चेक रिसीव ऑफ हाफ अमाउंट एंड विद डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आप बोलोगे सर सेल्स किया है, क्या किया है बच्चों, सेल्स किया है, तो सेल्स अकाउंट आप बोलोगे सर सिंपली वे में बोलोगे सेल्स करोगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स बिजनेस में से जा रहा है। डेबिट क्या होगा बच्चों, कितना पेमेंट मिला है, तो आप बोलोगे सर हाफ, तो हाफ क्या है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर हाफ जो है वो रूपाली अकाउंट भी डेबिट होगा और क्रेडिट जो होगा वो आप बोलोगे सर सिंपली क्या करना है, सेल्स। हाँ पहले सेल्स देख लेते कितना है सर, 14,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 14, यहाँ पे 7,000 और यहाँ पे भी 7,000। ये हो गया हमारा 10th नंबर का ट्रांजेक्शन। 12th में क्या दिया हुआ है बच्चों, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। तो अभी आप बोल रहे हैं कि सर दीप कला से हमें परचेज किया गया है तो परचेज होगा, तो परचेज अकाउंट बच्चों क्या होगा, तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो आपको लिखना है क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट, रियल का ही रूल अप्लाई होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर दीप कला अकाउंट क्रेडिट और पेमेंट हो रहा है बैंक से हाफ अमाउंट का, तो वो होगा क्रेडिट, ये होगा, तो बोलोगे 12,000 जो मतलब 12 है उसका हाफ करोगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 10 जो है इसमें 5,000 और उसके साथ 12 भी खत्म। आप बोलोगे सर 15 नंबर का ट्रांजेक्शन है, 15 का है ₹400 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, 800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। बच्चों ये मोस्ट एमपी टिक कर दो पहले, तो वो समझ लो। आप बोलोगे कि सर पहले विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस में से, बैंक बैलेंस में से आप पैसे ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो,
एक पर्सनल पर्पस के लिए और एक ऑफिस एक्सपेंस के लिए। तो बच्चों समझना मैं कैसे लिख रहा हूँ, पैसे आ रहे कि जा रहे। तो आप बोलोगे सर बैंक बैलेंस में से जा रहे, तो कहाँ आ रहे? तो आप बोलोगे सर आपके पास क्यों आ रहे? तो एक में आपने लिखोगे ड्रॉइंग अकाउंट, बीच में एक जगह छोड़ रहा हूँ वो डेबिट, और करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने लिखा। आप बोलोगे सर लिखो ऑफिस एक्सपेंस, तो बच्चों गलत बात है, ऑफिस एक्सपेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में आप जब भी मैंने क्या बोला, मैं बैंक में गया और मैंने वो सोचा है कि मुझे एक्सपेंस करना है, उसके लिए मैंने पैसे लिए। तो बैंक में अभी डिपॉजिट करवा, पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, तो आपको वो समझना है कि पैसे अभी खर्च नहीं हुए, अभी कैश तो आपके पास ही है, तो इसलिए कैश होगा। क्योंकि खर्च होगा तो वो नीचे देंगे, तो आपको वो ध्यान में रखना है। कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा, वो मेन पॉइंट है। तो ड्रॉइंग अकाउंट तो आपको पर्सनल पर्पस के लिए क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये 400 और 800 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 400, 800 और 1200। इसके बाद बच्चों है जो आपका है वो है 18 नंबर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस पेड बाय द चेक। लाइफ मैंने पहले भी बोला था किसकी होती है बच्चों, तो ओनर की होती है। ओनर की लाइफ वो क्या होगी? तो आप बोलोगे सर उसका प्रीमियम जब भी आप पे करोगे तो ड्रॉइंग बोला जाएगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। बच्चों ऐसे देखो तो हमने 5 लेक्चर लिखे अभी किए हैं, उसके अंदर ट्रांजेक्शन रिपीट होना शुरू हो गए, तो आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे आप समझ के करोगे तो कितना हो जाएगा इजी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस है। और आप बोलोगे सर चेक से पेमेंट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट होगा। एक है 300, एक है 450, एक है 750। तो आप बोलोगे सर एक ट्रांजेक्शन भी हो गया। इसके बाद मैं नरेशन बच्चों कहीं पे भी बोल भी नहीं रहा हूँ, तो नरेशन आपको ध्यान में रखना है, नरेशन आपको खुद लिखनी है, लिखनी है। नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएगा। अच्छी तरह समझ के प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा बच्चों। 18 के बाद हुआ 20, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये भी बहुत पसंदीदा ट्रांजेक्शन है। क्या आएगा बच्चों? आपने पढ़ रहे हो ना, आपके सामने भी स्क्रीन पे तो आ ही रहा है। तो आप बोलोगे सर बैंक हैज अप्रूव बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹75,000। बैंक ने आपको बोला आपकी लिमिट है, बैंक में से आप 25 तक आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी उठा सकते, उसका अप्रूवल मिला। दूसरा मैं बोलता हूँ लोन अप्रूवल मिला, ये सर अप्रूवल है बच्चों, हमने पैसे नहीं बैंक में से लिए नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मैं मान लेता हूँ बच्चों, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का लॉजिक क्लियर है, मैंने पहले समझाया हुआ है, तो वो इश्यू नहीं आएगा। 25 बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट 250 एंड बैंक चार्जेस ऑफ 100। तो अभी जब भी बच्चों ऐसा दिया हो तो हमें दो ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। ए तो पहले इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो हम भी इंटरेस्ट क्या करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट कर दोगे। इंटरेस्ट की बात आती है तो आप बोलोगे सर कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर थोड़ा यहाँ लिखो ना आप बैंक अकाउंट। डेबिट की बात आएगी तो आप बोलोगे सर 250 जो है वो आपको यहाँ लिखना है, 250 आपको यहाँ लिखना है। सेम वे बी होगा, आप बोलोगे सर एक्सपेंस जो एक्सपेंस है चार्जेस है बैंक चार्जेस, तो आप बोलोगे सर बैंक चार्जेस डेबिट किया है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितना करना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर 100 करना है, तो ये ध्यान में रखना है बच्चों। बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, क्या करना है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करो और बैंक क्रेडिट कर दो। जहां पे एक्सपेंस इनकम दी हुई है मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो हमने भी जनरल एंट्री में क्या किया, क्रेडिट किया। क्लियर हुआ बच्चों? और लास्ट में चेक ऑफ ₹5,000 इश्यू टू फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ओनर फ्रॉम द बिजनेस। तभी बच्चों आप बोलोगे लास्ट जो है वो नंबर ट्रांजेक्शन है 31। आप बोलोगे सर ओनर के सन को हमने पैसे दिए, तो बैंक अकाउंट बिजनेस में से जाएगा, वो तो ड्रॉइंग अकाउंट होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर उन्होंने लिए हुए 5,000, उनके हिसाब से $800 हुआ अराउंड टेंटेटिवली।
चलो बच्चों, तो ये बात हमारे काम की नहीं है। आप बोलोगे सर ड्राइंग क्यों डेबिट किया, क्योंकि बिजनेस के ओनर के सन को हम कुछ भी देते हैं, बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंस हुआ तो पर्सनल कंसिडर करेंगे, इसलिए क्या होगा बच्चों? तो वो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मैं जो देख रहा हूँ वो मैंने टोटल करके रखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 58,300, यहाँ पे भी होगा 58,300 और इसके साथ आपका सम खत्म हो जाएगा। बच्चों आपको टोटल तो लिखना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना है, टोटल अच्छी तरह लिखना है, हर एक में लिखना है। मैंने कहीं में नहीं लिखा वो भी मुझे पता है, लेकिन टोटल से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, तो जैसे ये खत्म होगा मैं इमीडिएटली मिटा दूंगा, लेकिन आपकी नोटबुक में परमानेंट रहेगी। तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, यहाँ ऊपर नाम लिखना है, डेट प्रॉपर लिखनी है, वो सब कुछ लिखना है। तो बच्चों यहीं पे हम खत्म करते हैं लेक्चर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।